नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम लेके आए हैं राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। कांग्रेस को मायावती की धमकी, केस रद्द करो नहीं तो राजस्थान एमपी में समर्थन वापस ले लेंगे। राजस्थान की मंत्री ममता भूपेश बोली, पहले जाति के लिए फिर समाज के लिए करूंगी काम। राजस्थान सरकार बदलते ही पेंशन सिस्टम में भी बदलाव, बुजुर्गों के लिए प्रक्रिया होगी आसान। कॉलेज छात्राओं की सैनिटरी नैपकिन देने वाला पहला राज्य बनेगा राजस्थान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री गहलोत को बताया एक परिवार का चाटुकार। ईएसआईसी राजस्थान में 121 पदों पर भर्ती, 21 जनवरी तक करें आवेदन। राजस्थान में फसल बर्बाद होने से किसान ने की खुदकुशी, गहलोत सरकार में पहला मामला। राजस्थान में हनुमान को मिली भक्तों को टोली, 36 सालों से घर घर जाकर कर रहे थे सुंदरकांड। अब राजस्थान में भी नौकरियां में स्थानीय लोगों को मिलेगी तरजीह, एमपी में हो चुका है विवाद। राजस्थान में कांग्रेस की जीत के बाद मुस्लिमों ने हिंदुओं पर किया हमला। माइनस से बाहर आया राजस्थान का तापमान, 3 शहर अब भी 5 डिग्री से कम। गाय सबकी माता है, मुसलमानों को भी मानना चाहिए, ज्ञानदेव आहूजा ने कहा। राजस्थान में बीजेपी से बागी हुए कुंवर जगत सिंह, रामगढ़ में बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। रेलवे रिक्रूटमेंट, नए साल पर रेलवे ने खोला नौकरियों का पिटारा, निकाली 13,000 से ज्यादा नौकरियां, यानी कि एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दलितों पर केस के मामले में बोले गहलोत, कैडर को खुश करने के लिए नेता देते हैं ऐसे बयान, यानी कि बड़े बड़े बयान। दलितों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेगी कमलनाथ सरकार, राजस्थान में होगी मामलों की जांच। गहलोत सरकार का न्यूर गिफ्ट, आईएएस आईपीएस आईएफएस अफसरों को दिया एक बड़ा तोहफा। राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना दिवस पर निकाली वाहन रैली, बहुत ही बड़ी। डॉक्टर रत्ना जैन ने ग्लोबल हेल्थ समिट में राजस्थान का किया प्रतिनिधित्व। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना के तहत बहुत ही बड़ी योजना को लागू किया गया। तो ये थी राजस्थान की 20 बड़ी खबरें। हम कल फिर आएंगे राजस्थान की खबरें लेकर और कुछ बड़े राज्यों की खबरें लेकर। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टूडेज फॉर मोर न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ साथ टूडेज की ऐप को जरूर डाउनलोड करें। धन्यवाद।